नमस्कार विद्यार्थियों। तो सबसे पहले तो सभी को हैप्पी दिवाली। इस नए वर्ष की आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। इस वीडियो में बताने वाला हूँ राजस्थान में कब से स्कूल खुलने वाले हैं। 1 से 12वीं तक का पूरा शेड्यूल यानी पूरी सरकार के द्वारा जारी की गई एडवाइजरी बताने वाला हूँ। और क्या न्यूज आई है आज, टूडे लेटेस्ट न्यूज आई है, वो भी तीन उनमें पूरा बता दिया गया है किन कक्षाओं की जो है कक्षा है वो दीपावली के बाद यानी कल से जो है आपकी शुरू होने वाले स्कूल। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। यहां पर देख सकते हैं कक्षा 1 से 9 और 11वीं की ऑनलाइन क्लासें ही लगेगी, यानी 1 से 9 तक और 11वीं की कक्षाएं जो है वो ऑनलाइन ही लगेगी। उनकी स्कूल जो है 17 नवंबर यानी परसों से खुलने वाली नहीं है। दीपावली के अवकाश के बाद जो है 10वीं और 12वीं की स्कूल खुलेंगी। बिना परीक्षा विद्यार्थी नहीं होंगे कर्मोन्नत, यानी अब की बार विद्यार्थियों को प्रमोट नहीं कर दिया जाएगा, उनकी परीक्षाएँ होगी। और 1 दिसंबर तक जो है 1 से 9वीं और 11वीं के स्कूल का अंतिम फैसला भी आ जाएगा कि उनकी स्कूल जो है कब से खुलेंगी। लगभग 1 दिसंबर से रहेगा यदि 10वीं और 12वीं की नियमित रूप से कक्षाएं चल पाती हैं तो। तो यहां पर आप पूरी एकदम न्यूज देख सकते हैं। सेकंड भी इस न्यूज बताने वाला हूं, यहाँ पर राजस्थान शिक्षा विभाग के द्वारा पूरी की पूरी एडवाइजरी जारी कर दी गई है। सरकारी स्कूलों में 5वीं तक के बच्चों को सप्ताह में एक बार और 8वीं तक 2 बार मिलेगा ऑनलाइन होमवर्क। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑनलाइन पढ़ाई स्टार्ट कर दी जाएंगी और शिक्षा विभाग ने निजी स्कूलों की तर्ज पर ही जो है ऑनलाइन एजुकेशन का विस्तार करने का फैसला दे दिया है। अब गवर्नमेंट स्कूल में भी स्माइल प्रोग्राम के माध्यम से जो है विद्यार्थियों को होमवर्क मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं वही कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों को सोमवार बुधवार को होमवर्क मिलेगा। मतलब पूरी एडवाइजरी जारी कर दी जा चुकी है। मतलब इसमें ये कहा जा सकता है कि 10वीं और 12वीं की जो स्कूल है वो डाउटेड। बच्चों आप किसी भी सवाल में अटक गए हो या सोल्यूशन नहीं हो पा रहा है तो बस आपको उस क्वेश्चन का फोटो लेना है, क्वेश्चन को क्रॉप करना है और 5 सेकंड के अंदर उस क्वेश्चन का वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। तो सह आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, यूपी बिहार महाराष्ट्र राजस्थान सीबीएसई एमपी एंड अदर बोर्ड का हो, चाहे आईटी जेई नीट या क्लास 6 से 12वीं का सवाल हो, इन सब का जवाब मिलेगा डाउटनट ऐप पर। या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे डाउटनट ऐप पर। साथ ही डाउटनट पर क्लास 9वीं से 12वीं के बच्चों के लिए चल रही है इंग्लिश व हिंदी मीडियम में लाइव क्लासेस, यानी पूरी पढ़ाई होगी डाउटनट ऐप पर। 3 करोड़ से ज्यादा बच्चे डाउटनट ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी जाइए डाउटनट ऐप इंस्टॉल करें। 17 नवंबर से बोर्ड के फॉर्म व नियमित रूप से कक्षाएं का संचालन कर दिया जाएगा। तो सबसे बड़ी खुशखबरी है कि राजस्थान में फिर से स्कूलों में रौनक आने वाली है, कॉलेजों में रौनक आने वाली है और जितने भी इंस्टीट्यूट है गवर्नमेंट प्राइवेट उनमें जो है रौनक आने वाली है, कोचिंग क्लासेस खुलने वाले हैं। तो आप सभी मतलब समझ सकते हैं कि जो सभी जो है अनलॉक होने वाला है अभी। तो स्कूल खुलेंगे 17 नवंबर से 10वीं और 12वीं के और 1 से 9 व 11वीं तक का जो फैसला है वो अंतिम फैसला 1 दिसंबर से पहले पहले जारी कर दिया जाएगा। यहाँ पर सबसे लास्ट अंतिम न्यूज़ है स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा। इस सत्र में 10वीं व 12वीं की परीक्षा के फॉर्म भरवाने के बाद स्कूल शिक्षा विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि 1ली से 9वीं व 11वीं कक्षा के विद्यार्थियों को भी प्रमोट नहीं कर दिया जाएगा, उनकी भी परीक्षा ली जाएगी। शिक्षा गोविंद सिंह डोटासरा ने कह दिया, एकदम क्लियर कर दिया कि उनकी परीक्षा जो है वो जरूर होगी। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं जबकि 9वीं से 12वीं कक्षा के बच्चों को सितंबर में ही मार्गदर्शन के लिए स्कूल आने की अनुमति दे दी थी, हालांकि नियमित अध्ययन के लिए इन कक्षाओं में भी अनुमति नहीं की गई है। लेकिन गोविंद सिंह डोटासरा ने ट्वीट करके बता दिया है, कोरोना के बढ़ते प्रभाव के बीच विद्यार्थियों का अध्ययन निरंतर रखने के लिए शिक्षा विभाग ने आओ घर में सीखे पहल की है। तो ये जो है सिर्फ और सिर्फ 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों को छोड़कर जितने भी विद्यार्थी हैं उनके लिए है। और 10वीं और 12वीं की नियमित जो अध्ययन जो मतलब नियमित जो कक्षा है वो 17 नवंबर से शुरू होने की पूरी उम्मीद है। इसको लेकर ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है वो गवर्नमेंट का आ जाएगा नई गाइडलाइन के अनुसार। वीडियो को जरूर लाइक करना है, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना है। पल पल की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।